विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बागेश्वर पुलिस की स्टैटिक सर्विलांस टीम ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। कोतवाल कैलाश सिंह नेगी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता को अक्षरशः लागू करने के लिए बागेश्वर पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ ले जाने तथा ज्यादा मात्रा में कैश ले जाने वालों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 50,000 से अधिक कैश लेकर नहीं जा सकता है, पकड़े जाने पर कैश जब्त कर लिया जाएगा। बागेश्वर पुलिस ने जिले के लाइसेंस धारकों से अपने हथियार व बंदूक एक सप्ताह के भीतर जमा करने के भी आदेश दिए हैं। आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र जनपद बागेश्वर में आदर्श आचार संहिता आज से लग गई है, जिसके क्रम में उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कोई भी असामाजिक तत्व, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो भी सभी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उच्चाधिकारीगणों द्वारा फ्लाइंग की टीम और स्टैटिक सर्विलांस की टीमें गठित की गई हैं, जिनके द्वारा बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान कल शाम से ही शुरू कर दिया गया है और फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें भी जगह जगह पर छापेमारी करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएंगी। किसी के द्वारा अवैध धन का जो है इधर से उधर आवागमन या अवैध लोगों को ले जा करके अगर कोई इस तरह की सूचनाएँ घटनाएँ संज्ञान में आती हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस परिप्रेक्ष्य में उच्चाधिकारियों द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। क्षेत्र में किसी के द्वारा भी इस तरह की अगर गतिविधियां प्रकाश में आती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसके द्वारा भी चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास किया जाएगा या प्रयास करने की आशंका जिन पर है, उनके विरुद्ध पूर्व में ही जो है कठिन कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। हमारे जितने भी जनपद में जिनके जो भी लाइसेंसधारी हैं उनको भी जमा करने का आदेश हो गए हैं। उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने शस्त्रों को या तो किसी गन हाउस में या तहसील में नाजरात में या कोतवाली बागेश्वर में यहाँ जमा कर सकते हैं। अगर वो लोग बाहर अगर अपना शस्त्र जमा करते हैं तो उनको पर्ची दिखानी पड़ेगी। लगभग एक सप्ताह के अंदर ये सारे शस्त्र जमा करने हैं। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।